हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रॉम टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन लेक्चर इन द बीबीए फोर्थ सेमेस्टर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मींस टू से इस सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में मैं जो लेक्चर डिलीवर करूँगा जो कि होंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो कोड है वो है BBAN403, याद कर लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए इस कोड को। सो लेट्स कवर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो सब्जेक्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भी किस तरीके से प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शंस की ऑपरेशन से रिलेटेड है, किस प्रोसेस से रिलेटेड है, क्या किस तरीके किस प्रोसेस पे काम किया जाता है, किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में इंक्लूड हैं जो कि हम इस सेमेस्टर में और इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो BBAN 403 प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। सिलेबस में हम आज के सेशन में मैं डिस्कस करूँगा इसके यूनिट्स के बारे में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 4-5 यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कंटेन द वेरियस टॉपिक दैट आर रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मीन्स टू से कि भाई प्रोडक्शन मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसका क्या स्कोप होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ओके, और इसके फंक्शंस के बारे में, कौन कौन से इसके मेन फंक्शंस हैं। प्रोडक्शन सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसको बेयर करते हुए फाइनली वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो भी गुड्स हैं फाइनली उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जो मेंटेन किए जाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में ही। डिसीजन मेकिंग इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो वी विल कवर अंडर द यूनिट फर्स्ट। ओके, तो ये था ओवरव्यू अबाउट द यूनिट फर्स्ट। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, जो कि है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम PPC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड PPC कंट्रोल वेरियस सब टॉपिक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ PPC, और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को प्रोसीड करते हैं, उसके पीछे क्या उसकी नीड है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम डिस्कस करूंगा यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मूविंग ऑन यूनिट सेकेंड, दैट इज टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यूनिट सेकेंड में जो टॉपिक है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं किस तरीके का रॉ मटेरियल होना चाहिए, क्वालिटेटिव गुड्स यू हैव टू प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज्ड क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल आल्सो। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इंटरमीडिएट एंड कंटिन्यूअस सिस्टम एटसेट्रा, प्रोडक्ट डिज़ाइन, किस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम बात करें बायर्स की, तो बायर्स की नई नई रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, एज अ सैम्पल उसको शो करते हैं ताकि वो अपना ऑर्डर दे और उसके बाद हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या सिस्टम होता है, कितने टाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड में। ओके, तो ये था यूनिट सेकंड के बारे में। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है स्टूडेंट, थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। प्लांट लोकेशन और लेआउट में बहुत सारे टॉपिक्स और भी कवर हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्लांट लेआउट, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लेआउट, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट,
फिक्स्ड पोजिशन लेआउट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट थर्ड में। प्लांट लोकेशन, प्लांट लॉक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लांट लोकेशन, किस तरीके से प्लांट लोकेटेड किए जाते हैं, उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि भाई कहाँ से हमारा प्लांट के लिए वेंडर और सप्लायर कहाँ से एक तरीके से नज़दीक पड़ेंगे, या फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम प्लांट लोकेशंस और लेआउट को फिक्स करते हैं। तो ये सब चीज़ें यूनिट थर्ड का ही पार्ट है जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन, नीड फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, फैक्टर गवर्निंग द लोकेशन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्लांट लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं जिनको इम्पोज किया हुआ है, और उसके हिसाब से हम अपने प्लांट लोकेशंस को प्रॉपरली कंसिडर करते हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम यूनिट थर्ड में, ठीक है। इसके बाद इसी यूनिट थर्ड में प्लांट लोकेशन थ्योरी भी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वेवियर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्रिटिसिज्म ऑफ वेवियर थ्योरी ऑफ लोकेशन, प्लांट लोकेशन डिसीजन प्रोसेस, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा, और आप उनको नोट डाउन करते चलिए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको प्रॉपरली कन्वीनियंस ही रहे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट थर्ड का, वो है प्लांट लोकेशन मॉडल्स, ठीक है। तो कुछ मॉडल्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू प्लांट लोकेशन डिसीज लोकेशन मॉडल्स, ओके। तो ये था यूनिट थर्ड का पार्ट। उसके बाद मूविंग ऑन यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ इज रिलेटेड टू स्टोर रूम की अगर हम बात करें, जैसे कि फैक्ट्रीज में स्टोर रूम्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर मैनेजर्स होते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू मैनेज देयर स्टोर, कि स्टोर में जो भी मटेरियल है वो प्रॉपरली अवेलेबल है या नहीं, प्रोडक्शन में जो भी रिक्वायरमेंट है वो टाइम पे स्टोर रूम में होनी चाहिए, रॉ मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे प्रॉपरली आपको सारी चीज़ें मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ में, मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे परचेजिंग इकोनॉमिक क्वालिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, किस तरीके से हम उनको परचेज करते हैं और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। ऑन द टाइम ऑफ द परचेजिंग वी हैव टू कंसिडर ऑल्सो क्वालिटी, ऑल्सो प्राइस भी हमें देखनी होती है कि किस प्राइस पे अवेलेबिलिटी है, उसमें भी हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई मार्केट में जो कंपटीशन कितना चल रहा है, आपको कहाँ पे प्रॉप चीप पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पे आप रीजनेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी को कंसीडर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, लीड टाइम, ब्रीफ ABC एनालिसिस, स्टॉक कीपिंग, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो कि रिलेटेड है मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एज अ इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, कितने टाइप्स की इन्वेंट्री होती है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री, बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, मीनिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको हम एज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, अजम्पशंस ऑफ EOQ मॉडल्स, एडवांटेजेस वीकनेसेस ऑफ EOQ मॉडल्स, ओके। आफ्टर दैट वी विल स्टडी यूनिट फिफ्थ, एंड यूनिट फिफ्थ इंक्लूड वेरियस टॉपिक, दीज टॉपिक्स आर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वालिटी कंट्रोलिंग की। क्वालिटी कंट्रोलिंग में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जस्ट इन टाइम, करेक्टरिस्टिक्स, एलिमिनेटिंग द वेस्ट, कॉम्पोनेंट ऑफ JIT, benefits, limitations of just in time, okay, and statistical quality control.
जो कि यूनिट फिफ्थ में है। तो यूनिट फिफ्थ में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड है, यानी कि प्रोडक्शन में अगर जब हम क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं तो कौन कौन से ऐसे टेक्निकल्स पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है ताकि क्वालिटी को मैनेज किया जा सके, क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि होता ऐसा है कि जो भी बायर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, सेम उसी क्वालिटी के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने होते हैं और उनको फाइनली फिर एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, अगर हम किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो जनरली आपको ये देखने को मिलता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन है, जो भी सैम्पलिंग है, उसके हिसाब से हम बायर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने के बाद जब बायर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो हमें ऑर्डर देता है, जो कि सैम्पल हमने दिखाए हैं, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, और जो भी प्राइस हमने फिक्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिस भी प्राइस पे, और सेम क्वालिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, उनको नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है प्रोवाइड करवाने होते हैं। तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और तो जो भी बायर ने हमें ऑर्डर दिया है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एज वेल एज वी हैव टू अश्योर दैट कि भी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेरियस प्रोविजंस विच आर इम्पोजिंग बाय द गवर्नमेंट टू द फैक्ट्रीज एंड द एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, तो उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। जैसे कि अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से जो भी प्रोविजंस हैं वो हमें कंप्लीट करने होते हैं, और उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्शन कंप्लीट करना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन में जितनी भी लेबर काम कर रही है, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वी हैव टू प्रोवाइड द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस, और साथ के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या है, प्रोडक्शन को फाइनली प्रोसीड किया जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो यही था आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो टोटल 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन मैनेजमेंट से। ठीक है, यानी कि अगर हम बात सिंपली मैं बात करूं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट्स किस तरीके के इनपुट्स आपको लेने हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, जैसे कि हम एम की बात करते हैं, उनको प्रॉपरली कंसीडर करना है। उसके बाद प्रोसेस, किस प्रोसेस पे आपको काम करना है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की हुई है, और उसके बाद फाइनली आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट किस कितना क्वालिटेटिव है ये आपको एश्योर करते हुए चलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट सेशन से फिर स्टार्ट करूँगा यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करूँगा ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शंस, जैसे कि हम आगे चलते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, टॉपिक भी इंटरेस्टेड है और सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है। ओके, थैंक यू।